हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ एंड वेलकम टू डी जी एडुशाला। जैसा कि आपको पता है, आपका यू पी पी सी एस आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम जल्द ही लगभग अक्टूबर में संभावित है। इसलिए हमने अपना नया कार्यक्रम यू पी पी सी एस के लिए आर ओ ए आर ओ की टेस्ट सीरीज को शुरू किया है। इसमें हम सबसे पहले टेस्ट सीरीज नंबर एक इंडियन हिस्ट्री की सॉल्व करेंगे। इसमें आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चन जीएस और 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। हम इन दोनों की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसे हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस बेहतर तरीके से दिख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए वीरभानपुर, बी लंगनाज, सी चौपनी मांडो, डी आदमगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात आदमगढ़। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि वर्तमान होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तथा बागौर, जो कि वर्तमान भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर दो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपके पास ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लहुरादेव, सी ब्रह्मगिरी, डी टोकवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात लहुरादेव। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है ए ऐतिहासिक युग से, बी ऐतिहासिक युग से, सी प्रागैतिहासिक युग से, या फिर डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है हमारी सिंधु सभ्यता। इसमें आदि ऐतिहासिक युग से तात्पर्य है कि यहाँ पर लेखन कला तक का तो ज्ञान था, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर लेखन कला मौजूद थी परंतु इसको पढ़ा नहीं जा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए उत्तर वैदिक काल, बी पूर्व आर्य काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा भी प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर और स्वयंदपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। आपके एक तरफ हड़प्पा बस्ती दे रखी है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां। आपको बताना है इनमें कौन से सही हैं। सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा का संबंध है रावी नदी से। इसी के साथ कालीबंगा का संबंध घग्गर नदी से है। लोथल जो कि भोगवा से संबंधित है, और इसी के साथ रोपड़ जो कि सतलज से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात 3-4-1-3-2-1-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी इंद्र, सी अग्नि, डी मारुत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। आपके पास ऑप्शन है ए धर्मसेन द्वारा, बी अजातशत्रु द्वारा, सी महाकश्यप द्वारा, डी नागसेन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात महाकश्यप द्वारा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तवर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए हिंदुओं से, बी जैनियों से, सी सिखों से, डी बौद्धों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बौद्धों से। त्रिपिटक का संबंध है बौद्धों से। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया है। इसमें तीन है, पहला है विनयपिटक, दूसरा है सुत्तपिटक, तीसरा है अभिधम्मपिटक।
इसमें विनय पिटक, इसके अंतर्गत नियम व आचरण की शिक्षाएं हैं। सुत पिटक, इसके अंतर्गत धार्मिक सिद्धांत दिए गए हैं। और इसके बाद तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक, जो कि बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए योसुद, बी जमाली, सी प्रभाष, डी विपिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? आपके पास ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था संबंधित है? ए भाबरू स्तंभ, बी क्वीन स्तंभ, सी रोमंदई स्तंभ, डी मास्की का स्तंभ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भ्रावू स्तंभ। भ्रावू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी काशी, डी मथुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात तक्षशिला। तक्षशिला जो कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यह वर्तमान में इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? आपके पास ऑप्शन है ए भड़ौच, बी कांबे, सी कल्याण, डी ताम्रलिप्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए एक पत्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है? ए चोल, बी पल्लव, सी राष्ट्रकूट, डी चालुक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण में संबंधित थे। और यह एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि भगवान को समर्पित है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। आपको एक तरफ इसमें विद्वान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनकी पुस्तकें दे रखी हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है वराह मिहिर जिन्होंने बृहद संहिता की रचना की थी। दूसरी है विशाखादत्त जिन्होंने देवी चंद्र गुप्तम की रचना की थी। तीसरा है शुद्रक ने मरच कटिकम की रचना की थी। इसी के साथ विल्हड़ जिन्होंने विक्रमा कंदेव चरित्र की रचना की थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 3-4-2-5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? आपके पास ऑप्शन है ए कादम्बिनी गांगुली, बी सरोजिनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को सही से पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसमें महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस की अधिवेशन को संबोधित किया था, अध्यक्षता नहीं पूछी गई है इसमें। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली। 1990 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर फिरोज शाह मेहता जी ने की थी। बाकी आपको इसके अलावा अन्य दो क्वेश्चन जो कि अच्छे से पता होंगे कि पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट थी, और भारतीय महिला अगर पूछी जाए तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? ए नागपुर अधिवेशन 1891, बी इलाहाबाद अधिवेशन 1888, सी मद्रास अधिवेशन 1887 और बॉम्बे अधिवेशन 1885। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17 का ए।
नागपुर अधिवेशन 1891 में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। और इस अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? इस अधिवेशन की स्थापना पी आनंद चालू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? आपको बताना है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उनमें से इन सभी व्यक्तियों में से कौन कौन से व्यक्ति, मतलब कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। आपको पता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश पाचा, यह तीनों उपस्थित थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें उपस्थित नहीं रहे थे। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें दादाभाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश पाचा, एस सुब्रमण्यम, काशीनाथ तेलंग आदि उपस्थित रहे थे। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको संगठन और दूसरी तरफ आपको उनके संस्थापक दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सा सही सम्मिलित है। पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891, इसकी स्थापना राधाकांत देव द्वारा की गई थी। इसके बाद इंडियन लीग 1875, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इसकी स्थापना दादाभाई नरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, इसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है सुगोली की संधि हुई थी। आपके पास ऑप्शन है ए 1800 में, बी 1803 में, सी 1805 में, डी 1815 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1815 में। सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेपाल की ओर से राजा गुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिल ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। इस तरह सुगोली की संधि जो कि 1815 में हुई थी, यह इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में बस उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण थे। ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, डी कारीगरों की अनुपलब्धता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। इसके अलावा अन्य कारणों में अगर हम देखें तो भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को भी थोपना इसका एक अन्य कारण था। इसी के साथ भारत से कच्चे माल का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा था और भारतीय माल पर आते जाते समय टैक्स लगाया जाता था, यह इनके अन्य कारणों में होगा। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी राजाराम मोहन रॉय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? आपके पास ऑप्शन है ए मसूलीपट्टम, बी सूरत, सी पांडिचेरी, डी चिंसुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात सूरत। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया और सूरत में व्यापारिक केंद्र
स्थापित करने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों के दबाव में मुगल बादशाह ने उसे इजाजत नहीं दी थी। थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत 1613 में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 1500 में कालीकट में पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके अलावा डचों द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह 1605 में मसूलीपट्टनम में की गई थी, और फ्रांसीसियों द्वारा 1664 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसी के साथ डेनमार्क द्वारा 1620 में ट्रेंकोवार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात सूरत। नेक्स्ट है, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ए पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसीसी, बी अंग्रेजी पुर्तगाली डच फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली फ्रांसीसी अंग्रेज डच, और डी पुर्तगाली अंग्रेज फ्रांसीसी डच। आपको पता है कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनी जो कि पुर्तगाली भारत आई थी। पुर्तगाली के बाद सेकंड नंबर पे भारत आने वाली कंपनी जो थी वो थी अंग्रेज, जो कि 1600 में आए थे। इसके बाद डच जो कि 1602 में आए थे, और सबसे अंत में फ्रांसीसी जो कि 1664 में आए थे। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुर्तगाली अंग्रेज डच और फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी। आपके पास ऑप्शन है ए शाह आलम द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी फर्रुखशियर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी। इसी के अलावा राजा राम मोहन रॉय की समाधि जो कि ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इसमें एक तरफ वायसराय और दूसरी तरफ उनसे संबंधित किए गए कार्य दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन से सम्मिलित हैं। इसमें पहला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम वेंटिक जो कि सती प्रथा का निषेध से संबंधित हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया कर दिया था। आपके पास ऑप्शन है ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी मुर्शीद कुलीन खां, डी अलीवर्दी खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मीर कासिम। मीर कासिम ने मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया गया था। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया, किंतु उसने शीघ्र ही विद्रोह कर दिया जिससे उसे पद से हटा दिया गया था। इसके बाद मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बनाया गया और सिंहासन पर बैठाया गया, किंतु मीर कासिम ने अपनी कंपनी से हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। आपको प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध दे रखे हैं, और उसके बाद इनसे संबंधित संधियां दे रखी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। आपको पता है कि प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध तक संधियां हुई थी, लेकिन चौथा जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1799 सलावाई की संधि। सालावाई की संधि 1799 में नहीं बल्कि 1782 में हुई थी, और इस संधि में सिंधियों की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस तरह सालावाई का संबंध चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध से ना होकर सिंधियों की मध्यस्थता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो कि 1904 में पारित हुआ था, और 1904 में ये एक्ट
लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी विलियम बेंटिक, सी वॉरन हेस्टिंग, डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वॉरन हेस्टिंग। वॉरन हेस्टिंग के द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था। और बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी, वह इसी सन्यासी विद्रोह की कहानी पर आधारित थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? मेरठ छावनी विद्रोह 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें आपको एक तरफ स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ 1857 में हुए विद्रोह में जो नेतृत्व करता थे उनके नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिल्ली बहादुर शाह जफर जो कि सही सुमेलित दे रखा है, और लखनऊ बेगम हजरत महल जो कि ये भी सही सुमेलित दे रखा है, फैजाबाद जो कि मौलवी अहमदुल्ला से संबंधित था यह भी सही है, लेकिन कानपुर में कुंवर सिंह नहीं बल्कि कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे से संबंधित थे। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कानपुर। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि इनमें कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें एक तरफ मध्यकालीन इमारत दे रखी है और दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित है। लाल महल, लाल महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाल महल की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। हौज़े खास की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अड़ाईदीन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है, इसी तरह झांपना नगर जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं दे रखा है। एक तरफ विभिन्न विभाग दे रखे हैं मध्यकालीन भारत के और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक दे रखे हैं कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें सबसे पहला है दीवान-ए-मुस्तकराज की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, यह एकदम ठीक है। इसी के साथ दीवान-ए-कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान-ए-अर्ज की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। और नायब ए मुमलिकात जो कि नसरुद्दीन महमूद नहीं बल्कि बहराम शाह के द्वारा शुरू किया गया था। इस तरह इसका ऑप्शन डी जो कि गलत है, नायब ए मुमलिकात का संबंध बहराम शाह से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए मिनहाज उर्स सिराज, बी फतुहात ए फिरोजशाही, सी किताबु उल हिंद, डी लाल बख्श। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें लाल बख्श जो कि इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात मुइद्दीन चिश्ती का मानना था कि भक्ति और संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन मात्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से व्यक्ति मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। पहला है ज्ञानेश्वर, दूसरा हिमाद्री, तीसरा राजशेखर और चौथा जिमूती वाहन। इसका सही उत्तर है ए 2 और 4। देखते हैं कि 1, 2 और 4 किसमें दे रखे हैं। 1, 2 और 4 अर्थात सी। इस तरह इसका सही उत्तर है और ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जिमूती वाहन। राजशेखर इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके
लिए चालू की गई थी। मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के शासनकाल में स्टार्ट की गई थी, यह सेना में भर्ती की जा सके इसके लिए मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडितराव और डी सुमंत। इसका सही उत्तर है डी सुमंत। सुमंत जो कि विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। शिवाजी के अष्टप्रधान में 8 महत्वपूर्ण पद थे। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा पद किससे संबंधित था। पत्राचार विभाग की देखरेख जो कि सचिव के द्वारा की जाती थी। धार्मिक मामलों में सलाहकार जो कि पंडित राव नामक पद के व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। प्रधानमंत्री जो कि पेशवा के रूप में जाना जाता था, इसका प्रशासन के निरीक्षण का कार्य था। आधुनिक मंत्री जिसे अमात्य कहा जाता था, और आधुनिक गृह मंत्री जिसे वाक्यनवीस कहते थे, और सेना प्रमुख जो कि सर ए नौबत के रूप में जाने जाते थे, और नेक्स्ट हैं चिटनेस जो कि सचिव प्रमुख होते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुमंत, जो कि विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट है, कौन से सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? आपको पता है कि मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक जो कि नहरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले दे रखा है तुगलकाबाद का किला, उसके बाद लोदी गार्डन, उसके बाद कुतुब मीनार और उसके बाद फतेहपुर सीकरी। आपको इनको क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा सबसे पहले बना था और कौन सा सबसे लास्ट में। इसमें सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो कि कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में हुआ था। कुतुब मीनार के बाद दूसरे नंबर पे तुगलकाबाद का किला जिसका निर्माण 1321 से 1325 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है लोदी गार्डन जो कि 1517 में बनाया गया था, और लास्ट में है फतेहपुर सीकरी जो कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1569 में बनाया गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर टॉमस रॉ, शाहजहां, ट्रेवनियर, औरंगजेब, मनुजी। इसमें ऑप्शन बी जो कि अकबर सही सुमेलित नहीं है। सर टॉमस रॉ जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। इस तरह अकबर इसका गलत उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए भद्रांचल, बी चिदंबरम, सी हम्पी, डी श्री काल हस्ती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? ए मोहम्मद गौरी तथा जयचंद, बी बाबर तथा अफगान, सी औरंगजेब तथा दाराओ शिकोह और डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब तथा दाराओ शिकोह। औरंगजेब तथा दाराओ शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें दारा शिकोह जो कि औरंगजेब द्वारा पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? इसमें रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जिसकी रचना केशवदास द्वारा 1555 से 1617 के बीच में की गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में की गई थी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अकबर अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी मिलती है। अर्थात इसका वर्णन किसमें मिलता है? इसका वर्णन चचनामा में दिया गया है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था? आपके पास ऑप्शन है ए पुर्तगालियों ने, बी फ्रांसीसियों ने, डी डेनमार्क वासियों ने, डी अंग्रेजों ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात पुर्तगाली। पुर्तगाली ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा सही सुमेलित दे रखा है। इसमें बॉडी वॉश का युद्ध जो कि फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था, यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बॉडी वॉश का युद्ध, जो कि एकदम सही दे रखा है। इसके अलावा बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, यह हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था। इसके अलावा इसमें सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी सम्मिलित थे। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और खेड़ा का युद्ध जो कि शाहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था, जिसमें ताराबाई पराजित हो गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से वायसराय सबसे पहले आए थे और कौन से वायसराय बाद में आए थे। इसमें सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 था। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1916 से 1921, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1910 से 1916, और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। इस तरह इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले एक अर्थात कर्जन, उसके बाद तीन अर्थात हार्डिंग, उसके बाद दो अर्थात जेम्स फोर्ड और चार इरविन। इस तरह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया गया था, यह इनके द्वारा 1858 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रथम बंगाली राजनीतिक अखबार था। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जिन्होंने संवाद कौमुदी की रचना की थी 1881 में, जो कि एक बंगाली पत्रिका थी, और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको संस्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें बनारस का संस्कृत कॉलेज जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा बनाया गया था, विलियम जोन्स, इसका गलत उत्तर होगा, इसलिए पहला गलत है। कलकत्ता मदरसा जो कि वाराणा हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था, और फोर्ड विलियम कॉलेज जो कि आर्थर वेलेजली नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनाया गया था। इस तरह इसका केवल ऑप्शन दो सही उत्तर होगा। देखते हैं कि ऑप्शन दो कहाँ दिया है। ऑप्शन दो अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, मुखोटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? ए नागा, बी कथकली, सी ओडिसी, डी कचिपुड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात कथकली। मुखोटा नृत्य का संबंध कथकली से है। इसके अलावा कचिपुड़ी का संबंध जो कि आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ वह किससे संबंधित हैं दिया है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित है। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि एक बांसुरी वादक थे, यह एकदम सही है। इसके अलावा अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन जो कि सरोद और वीणा नहीं बल्कि तबला से संबंधित हैं, और बिस्मिल्ला खां जो कि तबला नहीं बल्कि शहनाई से संबंधित हैं। इस तरह इसका केवल एक ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक थे सही होगा। नेक्स्ट है, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ओणम जो कि
केरल से संबंधित है। इस तरह बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। एक जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है, यह कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति, जो कि सरहुल त्यौहार से संबंधित है। यह मुंडा जनजाति छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट है, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? ए थोरो से, बी रस्किन से, सी टॉलस्टॉय से, या फिर डी उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। इसमें गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित थे। इसके अलावा रस्किन ने श्रम का आदर करना जैसे विचारधारा से प्रभावित हुए थे, और टॉलस्टॉय ने प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। इस तरह इन तीनों ही व्यक्ति से गांधी जी प्रभावित थे। नेक्स्ट है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया था? आपको पता है कि होम रूल लीग, जो कि 1916 में जिसकी शुरुआत की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, इसे 1918 में संयुक्त रूप से मिला दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? ए खिलाफत आंदोलन से, बी असहयोग आंदोलन से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी बारदोली सत्याग्रह से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने के लक्ष्य का नारा दिया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एकदम ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, यह भी एकदम ठीक है। और 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था, यह भी एकदम ठीक है। लेकिन असहयोग आंदोलन जो कि हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, वह 1930 नहीं बल्कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार थे? पहले भगत सिंह, दूसरे चितरंजन दास, तीसरे मोतीलाल नेहरू, चौथे जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 और 3, अर्थात चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इस तरह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें चितरंजन दास जो कि इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो कि इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड हार्डिंग, बी सर जॉन साइमन, सी मोतीलाल नेहरू, डी लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन इरविन लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था। आपको पता होगा कि 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में सभी नागरिक जो कि भारतीय नहीं थे, इस तरह इसलिए इसका विरोध भारतीयों द्वारा किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन के सुझावों पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा लाल लाजपत राय, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 4, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में पूर्णतः असत्य है? इसमें यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, ठीक है। दूसरा है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी एकदम ठीक है। तीसरा है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, यह इसका गलत कथन है, क्योंकि इसकी शुरुआत 18 मार्च नहीं बल्कि 12 मार्च को हुई थी। इस तरह यह गलत होगा। और समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की गई थी, यह एकदम ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको बताना है कि इनका घटनाक्रम क्या है। यह सभी घटना लगभग लगभग 1931 से 1932 के बीच की हैं और इनकी डेट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप हो सकती हैं, इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होगी। इसमें सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, जैसे कि आपको पता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके अलावा इसके बाद सुखदेव को फांसी दी गई थी। सुखदेव को फांसी जो कि 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 मार्च 1931 को सुखदेव के साथ दो व्यक्ति और, जिसमें राजगुरु और भगत सिंह शामिल थे, को फांसी दी गई थी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कि 26 से 29 मार्च 1931 के मध्य हुआ था। और इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। ए चंपारण आंदोलन के समय, बी कम्युनल अवार्ड के समय, सी असहयोग आंदोलन के समय और डी कलकत्ता के दंगों के समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? कम्युनल अवार्ड सितंबर 1932 में हुआ था। इस समय यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। ए 1933 में, बी 1935 में, सी 1934 में और डी 1937 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन सी, अर्थात 1934। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जो कि जोसेफ बैपटिस्टा थे, एवं महामंत्री जो कि दीवान चमनलाल बजाज थे। इस तरह इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर शंकर आयर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में घटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। पहला शौकत अली, दूसरा अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा मोहम्मद अली और चौथा तैयब जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1, 2 और 3, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली। इसमें तैयब जी शामिल नहीं थे। बदरुद्दीन तैयब जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद के अलावा हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी को भी दिया जाता है। लेकिन इनको प्रारंभ करने का सर्वश्रेष्ठ श्रेय जो कि अली बंधु के रूप में जो जाने जाते हैं, शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद में अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। यह भाषण दिल्ली में जामा मस्जिद में दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है असहयोग आंदोलन के बारे में।
इसमें इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, यह भी ठीक है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह भी ठीक है। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, यह भी ठीक है। लेकिन सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, यह इसका गलत उत्तर है। इस तरह इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 में की गई थी। महात्मा गांधी ने समाज से अस्पृश्यता मिटाने हेतु ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की थी, जिसका आगे चलकर नाम हरिजन सेवक संघ पड़ गया था। घनश्याम दास बिड़ला इस संघ के अध्यक्ष थे। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सितंबर 1932। अब आपको सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित है। बॉम्बे क्रॉनिकल जिसका संबंध है फिरोज शाह मेहता से, कॉमनवेल का संबंध एनी बेसेंट, लीडर का संबंध मदन मोहन मालवीय, और यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी की पत्रिका थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी बटुकेश्वर दत्त, सी रोशनलाल, या फिर डी एक और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एक और सी दोनों, अर्थात रामप्रसाद बिस्मिल और रोशनलाल दोनों को ही काकोरी षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर एक पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां एवं राजेंद्र लाहिड़ी, जिनको फांसी दी गई थी, जबकि इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद जो कि फरार हो गए थे। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सैंडर्स की हत्या। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सैंडर्स की हत्या। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सम्मिलित है। स्वराज पार्टी, आपको पता है कि स्वराज पार्टी जिसका संबंध सी आर दास से है, गदर पार्टी जो कि लाला हरदयाल से संबंधित है, अभिनव भारत जो कि वी डी सावरकर से संबंधित है, और पंजाब नौजवान सभा जिसका गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा सिंगापुर से की गई थी। जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसमें पहली है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी है हिंदुस्तान सभा और तीसरी है मुस्लिम लीग, अर्थात यह तीनों ही पार्टियां जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही थीं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अब इसमें हम कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन सन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एशले बाल्टी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन सन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास
चिरू सन 2022 किन तीन देशों के बीच आयोजित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात रूस, चीन और ईरान। चिरू सन 2022 जो कि रूस, चीन और ईरान के मध्य आयोजित किया था, इसका उद्देश्य नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है, इसमें से आपको तीन कथन दिए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही सुमेलित है। पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस का कार्यक्रम में भाग लिया था। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 40वें नहीं बल्कि 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है, इसका सही उत्तर है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो कि रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 को किया गया था, इसका उत्तर गलत है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1982 नहीं बल्कि 1992 में किया था और यह एक सांविधिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। इस तरह इसका केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन दो अर्थात बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कर्नाटक। ऑप्शन बी अर्थात कर्नाटक। कर्नाटक के होयसल मंदिर को 2022-23 में विश्व विरासत सूची के भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया था। इसके साथ कर्नाटक के बेलूर, हेलविड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, अर्थात इसमें कर्नाटक के बेलूर, हेलविड भी शामिल थे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के भरण पोषण में भी सहायता करना था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर के लम्हेटा में, मध्य प्रदेश में जबलपुर के लम्हेटा में पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। और यहाँ पर जियोलॉजिकल पार्क बनाने का घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि भूवैज्ञानिक दृष्टि से जबलपुर महत्वपूर्ण संसाधन यहाँ पाए जाते हैं। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेनिगियर का निधन हो गया है, इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? लुक मॉन्टेनिगियर ने HIV वायरस की पहचान की थी, इस तरह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 28 फरवरी 2022 में शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। 28 फरवरी 2022 को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला जो कि फोकस देश बांग्लादेश था, इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात के सूरत में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अर्थात अपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात नई दिल्ली।
कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में अपेडा कहते हैं, इसने अभी हाल फिलहाल में अपना 36वां स्थापना दिवस बनाया है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात तुर्की है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड समूह भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की थी। आपको पता है कि क्वाड में चार देश शामिल हैं, जिसमें पहला है भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। और तीसरा है, यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन जो कि गलत है, क्योंकि 16 फरवरी नहीं बल्कि 15 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा था। इस तरह इसका दूसरा वाला कथन सही है और यह पहली वर्ष 2012 नहीं बल्कि 2002 में आयोजित किया गया था। इस तरह इसका तीसरा कथन भी गलत है। इसमें ऑप्शन केवल दो सही है। केवल दो इसमें कहीं नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसे ऐसे ही याद रख लेते हैं। इसमें ऑप्शन केवल दो एकदम सही है। नेक्स्ट है, वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा है, वर्ष 2022 इस शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण था। आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। सी अर्थात इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मोस मिसाइल। अर्थात INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। दूसरा है, यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। इसमें केवल कथन एक अर्थात सही है, इसमें लेकिन केवल मतलब कथन दो जो कि गलत है, क्योंकि यह नवंबर 2000 में नहीं बल्कि 2013 में शुरू किया गया था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल ने भारत के UPI सिस्टम को अपनाया है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात गुजरात। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैगन क्रांति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे एंटोनियो येलेनिया और जेनेप क्या हैं? एंटोनियो येलेनिया और जेनेप एक प्रकार के तूफान हैं। इसमें एंटोनिया तूफान यूरोपीय देश जर्मनी से टकराया और वहां पर भारी नुकसान किया था। इसके अलावा येलेनिया और जेनेप के कारण चरम मौसमी घटनाओं को भी देखा गया था। नेक्स्ट है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद अर्थात FSDC के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इसका कथन पहला सही नहीं है क्योंकि इसकी 22वीं नहीं बल्कि 25वीं बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा इसके दोनों कथन ठीक हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद अर्थात FSDC के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? इसमें 22 फरवरी सन 2022 को मुंबई में FSDC की 22वीं नहीं बल्कि 25वीं बैठक आयोजित की गई थी, इसलिए यह कथन गलत है। इसके अलावा इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी, यह एकदम ठीक है, और इसकी अध्यक्षता भी वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, यह भी एकदम ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2021 देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रमान ख्याल। साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के कवि चंद्रमान ख्याल को उनके कविता संग्रह ताजा हवा को ताबिशे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2021 देने की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रभान ख्याल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने नाइस ब्लेज एंड मिस चैंस नामक एक फ्रंटियर रिपोर्ट सन 2022 जारी की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम शॉर्ट में यूनेप के द्वारा भी जानते हैं। यूनेप ने नाइस ब्लेज एंड मिनचेप नामक एक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा युग्म अशुद्ध है। आईटी पार्क जो कि कानपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में है। इसके अलावा डिफेंस पार्क जो कि कानपुर में है, थीम पार्क जो कि आगरा में है, और इत्र पार्क जो कि कन्नौज में है। ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के थे। इसके अलावा हम कुछ इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी देखते हैं। मैथ्स इसमें काफ़ी आसान लेवल की मैथ आती है, इसलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, 3 × 4 = 1609, 5 × 6 = 3625, और 1 × 2 = 401 है। तो आपको बताना है 4 × 7 क्या होगा। इसमें आप पहला देखिए, 3 और 9, इसी के बाद 4 और 16। इसमें 3 और 9 और 4 और 16 एक दूसरे के स्क्वायर हैं और इन स्क्वायर को पलट दिया गया है। इसी के अलावा 5 जो कि 25 का वर्ग होता है और 6 जो कि 36 का वर्ग होता है। इसमें 6 के वर्गों को पहले और 25 के वर्ग को बाद में रखा है। सेम इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है और 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। इस तरह 49 और 16 इसका सही उत्तर होगा, 4916। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? मान लीजिए यदि संख्या एक्स है और उस एक्स में से यदि हम 4 घटा देते हैं तो वह संख्या उसके व्युत्क्रम का, मतलब एक्स का व्युत्क्रम 1/x हो गया, उसके व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाएगी। यह इसकी समीकरण हो गई, x-4 = 1/x = 21। अगर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसे x²-4x-21 = 0 के रूप में लिख सकते हैं,
और इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका पहला गुणनखंड जो कि x माइनस सात आएगा और दूसरा गुणनखंड जो कि x माइनस एक्स प्लस तीन आएगा। इस तरह इसके दो गुणनखंड x माइनस सात और x प्लस तीन होंगे, लेकिन x प्लस तीन इजिकल टू जीरो। अब हम इसे इजिकल टू से इधर लेके जाएंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं। इस तरह x माइनस सेवन इजिकल टू जीरो, इसे हम जब इजिकल टू से इधर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू सेवन हो जाएगी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सात। अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? आपको बताना है कि इनमें जो समूह दे रखे हैं इनमें से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। इसमें ऑप्शन एक, बी, सी और डी, यह तीनों सेम है, लेकिन ऑप्शन बी इसमें 14 और 18 जो कि एक भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक ए सी और डी तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो कि गलत होगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा? यदि अब हम इसे शॉर्ट में लिख लें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2000 इंटू 2/5 इंटू, अब 50 अगर हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो हम नीचे 100 लिख देंगे और इसी के बाद 40 जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आएगा। अब आप होमवर्क में इसे सॉल्व करके देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 160 आएगा, फिर भी आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाता है? इसमें हमें वर्ष पूछे हैं और इसमें हमें 5% साधारण ब्याज की दर से पूछा है, मतलब हमें इसमें ब्याज की दर 5% दे रखी है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमें पता ही है, इसमें x इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइव इंटू टी बटे 100 है। अब हम इसमें अगर 5 को 100 से काटेंगे तो 1/20 आएगा। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष, अर्थात 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्षों में धन दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि इसमें लुप्त अक्षर कौन सा है। इसमें सबसे पहले जो श्रृंखला दे रखी है ए सी और ई, उसके बाद एन सी और एच, उसके बाद आर बी, और इसके बाद पूछा है कि हमें इसमें क्या आएगा, जेड टी एल या आई। इसमें आपको दिख रहा है कि ए और सी के बीच में 2 का गैप है और सी और ई के बीच में 2 का गैप है। इसके बाद एन और के बीच में जो कि -3 का गैप है, और इसके बाद के और एच के बीच में -3 का गैप है, और आर और वी के बीच में +4 का गैप है। अब अगर हम वी और क्वेश्चन मार्क के बीच में अगर 4 का गैप देखें तो V के बाद जो चौथे नंबर के बाद जो संख्या आएगी वह होगी जेड। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जेड। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इस श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। इस श्रृंखला को अगर आप ध्यान से देखेंगे ए ई आई और एम, इसमें +4 हो रहा है, और ऐसे ही आर एन जे, और जी के बाद जो संख्या आएगी वो इनमें -4 हो रहा है। अब यदि हम जे में से -4 करेंगे तो इसके बाद जो हमें संख्या मिलेगी वो होगी हमारी संख्या एफ। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपको ए के अंक बी से अधिक हैं, मतलब ए के जो अंक हैं वह बी से अधिक हैं, मतलब ए हमारा ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा, परंतु सी से कम है और हमारा सी सबसे ऊपर आएगा। इसमें ए के अंक बी से अधिक हैं, ए के अंक बी से अधिक हो गए परंतु सी से कम है, सी से कम है मतलब सी के अंक ए से और भी अधिक हैं, तो हम सी सबसे ऊपर रखेंगे। डी के अंक ई से कम हैं, मतलब जो हमारे डी के अंक हैं वह सबसे नीचे आएंगे और उसके बाद आएंगे हमारे ई के अंक, परंतु बी के अंक ई से अधिक हैं, मतलब जो बी के अंक हैं वह ई से तो अधिक ही हैं, तो हमारा बी
के नीचे ई आएगा और ई के नीचे डी। अब आपको बताना है कि किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं। तो अधिकतम अंक जिसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं वह है सी, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 82, 97, 114 और 133 दे रखा है। आपको बताना है कि इसके बाद लुप्त संख्या में कौन सी संख्या आएगी। इसमें 82 से 97 के बीच में 15 का गैप दे रखा है, 97 से 114 के बीच में 17 का गैप दे रखा है, 114 से 133 के बीच में 19 का गैप दे रखा है। इस तरह इसमें दो का अंतर चल रहा है, सबसे पहले 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19। नेक्स्ट जो आएगा हमारा 21 आएगा, अर्थात 131 में यदि हम 21 ऐड कर दें तो हमारा 154 आंसर होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, वॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। इसमें पहला है 5936, दूसरा है 7636 और तीसरा है 94 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। पहला है 5×9 जो कि हमारा होता है 45। अब 45 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारा आएगा 36 जो कि दे रखा है। इसी के साथ अगर हम दूसरी वैल्यू चेक करें 7636, 7×6 इजिकल टू हमारा होता है 42। 42 में से यदि हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 36 जो कि वैल्यू दे रखी है। इसी तरह हम 9×4 जो कि होता है 36। 9×4 इज इक्वल टू 36। अगर हम 36 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 32 जो कि हमारी ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हमारे मैथ्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट जो कि हम यूपी स्पेशल पे चलेंगे, इसमें हम कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस देखेंगे। यूपी स्पेशल का सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर हैंडीकैप स्थित है। आपके ऑप्शन है ए कानपुर, बी गोरखपुर, सी प्रयागराज या फिर डी वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ए पीलीभीत, बी सहारनपुर, सी इटावा या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है, यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है ए देवा जो कि बाराबंकी में है, बी है आलहा जो कि महोबा में है, सी है कर्मा जो कि मथुरा में है और डी कजरी जो कि मिर्जापुर में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्मा। कर्मा का संबंध मथुरा से नहीं बल्कि सोनभद्र से है, यह कर्मा जो कि आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट है, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। कालिंजर का किला जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो कि लखनऊ में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आपको सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो कि लखनऊ में अवस्थित है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि उन्नाव में अवस्थित है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड जो कि आगरा में अवस्थित है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ अवस्थित है जो कि कानपुर में अवस्थित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको मेले और दूसरी तरफ उनसे संबंधित शहर दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें झूला मेला जो कि झांसी से संबंधित न होकर यह वृंदावन से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है।
इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात फरवरी सन 2020 से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो कि 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसमें सबसे पहला है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। इस तरह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो कि 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रवाहित होती है? गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री हेमनाथ से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से एंटर होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरसई नावल झील। सरसई नावल झील जो कि इटावा जनपद में अवस्थित है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह झील सारस क्रेन की प्रसिद्ध संरक्षण स्थली में से एक है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम भोटा है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो कि मथुरा है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर, इसका निर्माण 1830 ईस्वी में किया गया था और इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो कि इनमें से कोई भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो कि विशंबर दयाल थे और उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त जो कि न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान भई योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान भई योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। किसान भई योजना भू स्वामित्व का यह प्रमाण खेती योग्य जमीन खरीद बिक्री के लिए एक अनिवार्य प्रमाण पत्र होता है, जिसमें किसान भई के नाम पर एक प्रमाण पत्र तहसील से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित है। इसमें ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो कि झांसी में है, यह एकदम सही सुमेलित है। इसके अलावा बाकी के तीनों सही सुमेलित नहीं है। इसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि कानपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में अवस्थित है। इसके अलावा तेल शोधन कारखाना जो कि आगरा नहीं बल्कि मथुरा में अवस्थित है और मॉडर्न बेकरीज जो कि लखनऊ में ना होकर कानपुर में अवस्थित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नया सेवेरा योजना का संबंध है। नया सेवेरा योजना का संबंध श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना है। इसकी शुरुआत सन 2017 में श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए कानपुर, बी बरेली, सी मथुरा और डी मेरठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात बरेली। बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। यह 1979 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है और ललितपुर का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इस तरह हमारे जीके के 140 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं।
यह हमारा टेस्ट नंबर एक है। इसी के साथ अगर आपको नेक्स्ट टेस्ट चाहिए तो जल्दी आपको नेक्स्ट टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको आर ओ ए आर ओ की तैयारी के लिए हिंदी की क्लासेस और जीके स्पेशल और यूपी स्पेशल की क्लासेस भी जल्दी उपलब्ध की जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप ना भूलें। यह टेस्ट सीरीज़ को टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा।